जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पर। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था जो एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है वो किन बेसिस पे होता है, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने सभी को 11 फाइलम में उसको कन्वर्ट किया था, 11 फाइलम में हमने उसको डिवाइड किया हुआ था। उसमें से हमने एक फाइलम, जो फाइलम प्रोटोजोआ है, उसको हमने पढ़ लिया था। उसके आगे के फाइलम को अब हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारा एक और चैनल है न्यूरोटेक लेक्चर्स। न्यूरोटेक लेक्चर्स में भी बायोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट रखे हुए हैं, तो आप बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं यहां से भी देख सकते हैं, और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो जो फाइलम पोरीफेरा है, इस फाइलम का नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा? पोरी का मतलब होता है पोर, और फेरा का मतलब होता है बियरिंग, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके पास पोर्स होते हैं, जिनके बॉडी जो है वो पोर होती है, जिनकी बॉडी में पोरस बॉडी होती है, उनको हम पोरीफेरा में रखते हैं। अब आप कहोगे पोर कैसे होंगे? तो बॉडी में स्पंज लाइक होंगे। ये कैसे होंगे? स्पंज लाइक होगा इनकी बॉडी जो है। स्पंज आप जानते ही हो, स्पंज में कैसा होता है? पोर भरा होता है, पोर होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इन्हीं पोर के कारण जो है, इसे हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा में इनको रखते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी पे, बॉडी में जो है वो पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इन्हीं पोर्स के कारण इन ऑर्गेनिज्म को हम फाइलम पोरीफेरा में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक केनाल सिस्टम पाया जाता है। केनाल जो है सिस्टम पाया जाएगा, मतलब है कि ये जो पोर्स के थ्रू जो है वाटर इंटर करता है अंदर की तरफ, और इसके अंदर जो है, इसको हम अगर जो इस तरह से देखें तो इसके अंदर जो है ये कैविटी पाई जाती है। इस तरह से ये कैविटी होगी, इस कैविटी में इन पोर्स के माध्यम से वाटर जो है अंदर अंदर आता है, और अंदर आने के बाद जो है वाटर इस माउथ के थ्रू जो है ये बाहर की तरफ निकल जाता है। इन्हें हम स्पंजेस कहते हैं। और ये मोस्टली क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एक्वाटिक है। जितने भी स्पंजेस पाए जाएंगे, जितने भी फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, एक्वाटिक हैं। और इसमें से भी मोस्टली क्या है, मेराइन है, मतलब ज्यादातर क्या है, मेराइन है, यानी समुद्र में पाए जाने वाले हैं। ये सेसाइल हो सकते हैं और सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री का मतलब होता है कि ये अटैच टू सबस्ट्रेटम, यानी नीचे जमीन से या किसी भी पत्थर से ये हमेशा अटैच्ड रहते हैं। अकर्स इन डिफरेंट शेप, इनका शेप अलग अलग हो सकता है, वेस्ट लाइक हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। बॉडी परफोरेटेड होती है, इनकी जो बॉडी होती है पूरे बॉडी में जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बाई ए न्यूमरस पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। और ये छोटे छोटे जो छिद्र पाए जा रहे हैं, इन छिद्र को जो है हम क्या कहेंगे, ओस्टिया बोलेंगे। क्या नाम देंगे इनको? ओस्टिया कहेंगे। Which open into canal. अब ये जो है ओपन हो रहा है कहाँ पे? एक कैनाल में ओपन हो रहा है। ये जो कैनाल आपका बनना है, इस कैनाल में ओपन हो रहा है। इस कैनाल के यहाँ पे, इस लाइन पे जो होगा वो एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स को हम क्वेनोसाइट या कॉलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेनोसाइट या कॉलर सेल्स कहते हैं। ये कॉलर सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये क्या करती हैं? जब वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है ओस्टिया के थ्रू, और जब इस केनाल में पहुंचता है, तो वाटर के साथ साथ फूड के पार्टिकल भी पहुंचते हैं। और क्वेनोसाइट जो सेल्स होती हैं, कॉलर सेल्स होती हैं, तो ये सेल्स क्या करती हैं, इन सेल्स के पास जो है वो फ्लैजिला होता है, और इस फ्लैजिला के माध्यम से ये क्या करती हैं, उस फूड पार्टिकल को पकड़ती हैं या पकड़ करके इस सेल के अंदर ले आती हैं। तो यहां पे देखिए इस तरह का एक जो है सेल होगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, क्वेनोसाइट सेल कहते हैं। अब
जो है वो लार्ज साइज वाटर आउटलेट जो होगा उसको हम कहेंगे ऑस्कुला या ऑस्कुलम, यानी कि ये जो माउथ वाला पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, ओपनिंग दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे ऑस्कुलम। ये क्या हो गया, छोटा वाला पार्ट, छोटा जो छिद्र है जो बॉडी पे पाया जा रहा है उसे क्या कहेंगे ऑस्टिया। इसके केनाल है तो ये इसके अंदर जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर जो है स्पेस है ये है, और उसके बाद में जो ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे ऑस्कुलम कहेंगे। और क्वेनोसाइट सेल्स जो होंगी वो अंदर के जो आपका केनाल है उसके ऊपर की लाइनिंग जो बना रहे हैं वो स्पेशल टाइप की सेल्स बना रही हैं, जिन्हें हम कहेंगे आपका क्वेनोसाइट या कॉलर सेल्स। उस कैविटी को जो केनाल है उस कैविटी को क्या कहेंगे, उस कैविटी को कहेंगे स्पॉन्जो सील, स्पॉन्जो सील कहेंगे। इंडो स्केलेटन जो होगा इनका, इनका जो स्केलेटन बना होता है वो निडल लाइक होता है, जिसे हम कहते हैं स्पिक्यूल्स कहते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और स्पॉन्जिन नामक एक प्रोटीन, ये स्पॉन्जिन क्या है एक प्रोटीन है, सिलिका हम जानते ही हैं बालू होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है जैसे चूने जैसा पदार्थ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं, उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई बडिंग होता है, देखिए ऐसे बड के फॉर्म में, ऐसे छोटे छोटे बड के फॉर्म में ऐसे निकलेगा, तो बड जब ये बड बड़ा हो जाएगा तो यहां से अलग हो जाता है, और अलग हो करके क्या होगा एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा। अब ये आप देख रहे हैं ये साइकोन है, साइकोन जो है क्या करता है, यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स पाए जा रहे हैं, इसे ओस्टिया कहेंगे। इसको जब हम काट के देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉन्जो सील भी हमको दिखाई देगा, ऊपर का जो माउथ वाला एरिया है इसे हम कहेंगे ऑस्कुलम। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे स्काइफा जिसे हम साइकन यहाँ पे कह रहे हैं, स्पॉन्जिला है, यूप्लेक्टेला है, यू स्पॉन्जिया है, क्लियोना है, ल्यूकोसिलोनिया है, और कैलाइना चलाइना है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग फाइनली इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए आपका स्काइफा जो है ये फ्रेश वाटर में है, ये स्पॉन्ज है, ये यूप्लेक्टेला है, ये देखिए यूप्लेक्टेला है, ये आपका बोरिंग स्पंज है, ये जो है डेड मैन फिंगर्स है, ये ल्यूकोसिलोनिया है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा की, इस सीलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं, निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या करेक्टरिस्टिक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनका जो कैसा होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, दे हैव ए बॉडी कैविटी, इनकी जो बॉडी कैविटी होगी वो अंदर जो हमने वहां पे देखा था जो स्पॉन्जोसील देखा था, तो वहां का स्पॉन्जोसील जो है यहाँ पे जो होगा वो नाम कहलाएगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन, दोनों एक ही नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलेंट्रॉन। इट हैज सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन, एक ही ओपनिंग होती है इनकी माउथ जो है वो एक ही होता है, ये क्या होगा इजेशन भी इससे करेंगे, यानी फीकस जो होगा जिसको डिस्चार्ज करना होगा वो भी यहीं से करेंगे, इंजेशन का मतलब भोजन को जो है निगलने का भी काम यहीं से करते हैं। ये सारे के सारे जो है क्या है वो एक्वाटिक है, और ज्यादा से ज्यादा ये क्या है मेराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे नीडोब्लास्ट पाया जाता है, नीडोब्लास्ट क्या होता है, ये जो टेंटिकल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम नीडोब्लास्ट बोलते हैं। इन नीडोब्लास्ट में कुछ केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं कि जहां पे भी ये केमिकल पहुंचते हैं या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल पहुंचा दिए जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो है पैरालाइज हो जाता है। तो नीडोब्लास्ट यहाँ पे पाया जाता है, इसका मतलब है ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए इन नीडोब्लास्ट का यूज करता है। देखिए ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हमने बता दिया, यहाँ पे दो जर्म लेयर पाए जाते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी यहाँ पे रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, यानी किसी भी प्लेन से आप इसको काटिएगा तो दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं जिन्हें हम टेंटिकल्स कहते हैं, यहीं पे नीडोब्लास्ट या निमेटोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टिंगिंग, छेदने के लिए, जैसे जो है हमको बी का डंक होता है, डंक मारती है, ठीक उसी तरह से ये भी जो है
वो डंक टाइप का स्टिंगिंग जो है यहाँ पे भी आपको वो सिस्टम देखने को मिलता है। ये प्रे को पैरालाइज कर देती हैं और इनमें इतना पॉइजन होता है कि जिससे कि ये प्रे को क्या करेंगी, पैरालाइज कर देंगी। इनके लाइफ साइकिल में दो फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो निडेरिया के एनिमल्स हैं वे पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि दो फॉर्म यहाँ पे में देखने को मिलता है। अभी तक हमको ये जो दो फॉर्म है वो फॉर्म हमको सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता था। याद कीजिए हमने आपको दो कंडीशन बताया था, एक स्पोरोफाइट कंडीशन बताया था और एक गैमेटोफाइट कंडीशन बताया था। तो स्पोरोफाइट जो कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है डिप्लॉयड, यानी कि बॉडी के प्रत्येक सेल में, बॉडी का हर एक सेल जो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। और वहीं पे हमने बताया था गैमेटोफाइट कंडीशन, गैमेटोफाइट कंडीशन वो कंडीशन होता है कि बॉडी का हर एक जो सेल होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स हर सेल में पाए जाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही स्थिति है, यहाँ पे भी दो स्टेजेस मिलते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, सेडेंट्री होता है एंड डिप्लॉयड होगा। यानी पॉलिप कैसा है, स्पोरोफाइट कंडीशन है, ठीक है, ये कैसा है, स्पोरोफाइट कंडीशन है। मेड्यूसा जो होती है वो सेक्सुअल होती है, मेड्यूसा इज सेक्सुअल, यहाँ पे सेक्सुअल है, अम्ब्रेला शेप होता है, फ्री स्विमिंग होता है एंड डिप्लॉयड होगा, ये जो है डिप्लॉयड होता है। दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी एक लाइफ साइकिल में ये दोनों फॉर्म बनते हैं, जैसे कि हमने प्लांट में भी देखा था, एक ही लाइफ साइकिल में दोनों तरह के गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों तरह के प्लांट बनते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। यानी ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि मेटाजेनेसिस जो है वो किस एनिमल के द्वारा शो किया जाता है, या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस एनिमल के द्वारा या किस फाइलम के एनिमल के द्वारा जो है वो एग्जिबिट किया जाता है, तो वो आपका है निडेरिया या सिलिन्ट्रेटा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के थ्रू होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो गैमिट का फॉर्मेशन होगा, यानी गैमिट बनेंगे, मेल और फीमेल जो है वो गैमिट बनेंगे। सम ऑफ देम हैव एक्सो स्केलेटन, कुछ जो निडेरिया के हैं, जो सिलिन्ट्रेटा के एनिमल्स हैं, वहां पे एक्सो स्केलेटन होता है, बाहर से खोल होती है जो बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोरल्स, इन्हीं को हम कोरल्स कहते हैं। दे लिव इन कॉलोनीज, ये कॉलोनीज में रहते हैं, और वेन दे डाई, जब ये मर जाते हैं तो ये बनाते हैं कोरल रीफ आर कोरल आइलैंड। तो यहाँ पे कोरल रीफ का मतलब है, ये जब कोरल बनते हैं, कोरल रीफ बनते हैं, तो एक चट्टान के रूप में ये धीरे धीरे बन जाती है, इसी को हम कहते हैं कोरल रीफ, ठीक है। तो ये देखिए, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइड्रा में देख लीजिए, दो दो चार दो छः सात, यहाँ पे आठ जो है आपको इसके आर्म दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये रेडियल सिमेट्री दिखाई दे रहा है, ये अरेलिया है, इसे जेलीफिश कहते हैं, ये पेनिटूला है, इसे सी पेन कहते हैं, देखिए पेन की तरह है, यहाँ पे देखिए गॉर्गोनिया है, सी फैन के नाम से जाना जाता है, मेनेंड्रिना है, ये ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है, ब्रेन की तरह दिखाई दे रहा है, फाइसिलिया है, इसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं, ये देखिए टोपी ओपी लगाया हुआ, यहाँ पे देखिए मेट्रिडियम, इसे सी एनिमोन कहते हैं, और ये देखिए अलग अलग तरह के कोरल्स, अलग अलग रंग बिरंगे आपको कोरल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोरल्स रंग बिरंगे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एल्गी जो है वो जमा हो जाती है, एल्गी पनपने लगती है, तो ये रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरह के जो पिगमेंट होते हैं, जिसके कारण से बहुत ही रंग बिरंगी दिखाई देती है। इसके बाद हम आते हैं फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम शायद आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इनमें जो है कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें यहाँ पे कॉम्ब प्लेट पाए जाएंगे जो कि सिलिएटेड होते हैं, और इनका नंबर फिक्स होता है, इनका नंबर होगा आठ, यानी एट नंबर में ये पाए जाएंगे। ये जो सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और इनके पास भी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जैसे निडेरिया में पाए जाते हैं। ये मेराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, एकाकी होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, अकेले स्विम करते हैं। इसमें आपका
सिस्टम है, वीनस गर्डल के नाम से प्लूरो ब्रैंकिया है। ये देखिए ये सिस्टम आपका, ये आपका प्लूरो ब्रैंकिया है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पे एक से दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, ये इस तरह से कॉम्ब प्लेट जो है इस पे 8 कॉम्ब प्लेट जो है ऐसे बनी हुई होंगी, ऐसे कॉम्ब प्लेट बनी हुई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटी हेलमेंथीज की। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमेंथ का मतलब होता है वार्म, ठीक है, यानी फ्लैट वार्म्स। तो जनरली ये क्या कहलाते हैं, फ्लैट वार्म यानी चपटे होते हैं। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जर्म लेयर जो है वो तीनों लेयर पाई जाती हैं। डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डार्सल और वेंट्रल साइड में जो है वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, चिपटा हुआ होगा। ए सीलोमेट होंगे, यहाँ पे सीलोम जो है बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। डाइजेस्टिव कैविटी हैज सिंगल ओपनिंग विद माउथ ओनली एंड एनस इज अब्सेंट, यहाँ पे सिर्फ माउथ ही पाया जाएगा, एनस नहीं पाया जाएगा, एक ही ओपनिंग पाई जाएगी। इनके माउथ पे क्या है, हुक और सकर्स पाए जाते हैं। हुक और सकर्स पाए जाने का कारण यह है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पैरासाइट हैं। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर जो हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, इसे प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो उनका है, ये पैरासाइट हैं, जितने भी यहाँ पे पाए जाते हैं सारे के सारे लगभग पैरासाइट हैं। ये देखिए लीवर फ्लूक है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से होता है। ये मोस्टली क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे प्लेनेरिया है, फैस्यूला है, टीनिया सोलियम है, सिस्टोसोमा है। ये देखिए आपका प्लेनेरिया है, ये आपका जो है फ्लैट वर्म, आपका ड्यूजेशिया है, ये पिनवर्म है, और ये देखिए आपका टीनिया सोलियम। इसके बाद आते हैं दूसरे फाइलम में, फाइलम निमेटोडा में। निमेटोडा जो है इसको एस्कल हेलमेंथीज के नाम से भी जाना जाता है और ये राउंड वर्म के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी जो है एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर वाले हैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है यहाँ पे, यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग केंचुए में देखते हैं कि बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, इस तरह से लाइनिंग पाई जाती है, तो इस तरह का लाइनिंग जो है इनकी बॉडी में नहीं पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन जर्म लेयर पाई जाती है। सूडो सीलोमेट मेट होते हैं, यानी यहाँ पे बॉडी कैविटी पाई जाती है लेकिन फाल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है। एलिमेंट्री केनाल जो है वो ट्यूबुलर होता है और माउथ और एनस दोनों यहाँ पे पाया जाता है, माउथ एनस दोनों पाया जाएगा। मोस्ट आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग होते हैं, लिव इन मॉइस्ट सॉयल, सम आर फ्रेश वाटर, वाइल इन सम आर मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। इसमें से कुछ जो है वो पैरासाइट हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में ये पैरासाइट होते हैं। दे लैक सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे किसी भी तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होता है और सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक्सकेरिस है, राउंड वर्म जो हमारे पेट में केंचुआ पड़ता है, ये है। ओकरेरिया है, ओकरेरिया जो फाइलेरियल वर्म है, जो हाथी पांव रोग होता है जिसके कारण, इसे हम ओकरेरिया बोलते हैं। इंट्रोबियस होता है, पिन वर्म है, और ड्रैकुनल कुलस है यानी गोइना वर्म है। ये देखिए ये जो छोटा वाला है ये मेल एस्केरिस है, ये फीमेल बड़ी वाली जो है ये फीमेल एस्केरिस है। यहाँ पे ओकरेरिया है आपका, मेल और फीमेल ओकरेरिया, ये फीमेल ओकरेरिया है, ये मेल ओकरेरिया है। यहाँ पे आप एग्जैक्ट फिगर अगर जो हम देखें मेल और फीमेल का, तो ये एक्सकेरिस है, ये आपका ओकरेरिया है, ये ड्रेनल कुलस है, और ये जो है आपका ब्लड फ्लूक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद के जितने भी क्लासिफिकेशन, जितने भी फाइला हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।